कांग्रेस के नेता व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी बेटी आस्था अग्निहोत्री के साथ रविवार देर शाम को 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचे। मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी बेटी आस्था के साथ बीते शुक्रवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ते गांव गोंदपुर जयचंद स्थित अपने घर से ये यात्रा शुरू की थी और इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री के कई समर्थक भी यात्रा में साथ रहे। आस्था अग्निहोत्री ने कहा कि उनकी मां प्रोफेसर सिम्मी की माता चिंतपूर्णी पर अगाध श्रद्धा थी। माता रानी के जगराते से उनकी सभी के लिए श्री चिंतपूर्णी जी का आशीर्वाद लेने की इच्छा थी, लेकिन उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। हमने माता रानी के दरबार जाकर माता से अपनी मां के लिए मोक्ष की प्रार्थना की है। मेरी मम्मा आते थे माता के दर्शन करने पैदल, जब भी मेरे पिता चुनाव जीतते थे तो एक पद यात्रा करते थे मम्मा, और 5 दफा उन्होंने पद यात्रा की चिंतपूर्णी माता के मंदिर तक। तो अभी मैं मम्मा के लिए आई हूँ, मम्मा खुशी में आती थी, हम गम में आए, मम्मा बहुत जल्दी चले गए, अचानक से चले गए, और आप देखिए उन्होंने जगराता रखा था, 3 दिन बाद हमारे घर में जगराता होना था जिससे मम्मा चले गए, 3 दिन ही बचे थे। तो इसीलिए 3 दिन की पद यात्रा माता के दरबार को की कि मम्मा को मोक्ष मिले।